प्लस एक्स को, प्लस एक्स को, रिजल्ट मेरा 45। टेन वाई तो माइनस 9y बराबर, इन दोनों को सॉल्व किया माइनस 9y और ये, तो x प्लस वाई कितना हुआ 1, x प्लस वाई यही आपसे बोला गया था 9। ठीक है, तो वर्स इज 8, दो नंबर्स का सम क्या है 8 है, 8 सम है किसका, 2 नंबर्स का। दिमाग में बैठाइएगा, बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूं, डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस अभी भी आपके एग्जाम में और आगे भी आप देने वाले एग्जाम्स में, ठीक है, सभी प्रकार के एग्जाम्स में आपका सिरदर्द बने रहते हैं, तो एक बार अगर बेसिक समझ लिए तो फिर मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो भाई सम 8 है दो नंबर्स का, इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, इनका जो सम है वो 4 टाइम्स है उनके डिफरेंस, क्या समझे कि इफ देयर सम, इनका सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, डिफरेंस का 4 गुना है, फाइंड द नंबर, नंबर्स का पता लगा ओ। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, इस तरीके के सवालों में आपके लेवल पे कुछ ना कुछ लेट करना पड़ता है, लेट कहते हैं ना, मान लेते हैं, है ना, ऐसे कह देते हैं लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ऐसे ही लेट करना है कि लेट मान लेते हैं कुछ, क्या मान लेते हैं, फाइंड द नंबर्स, लेट मान लेते हैं कि भाई जो नंबर्स हैं हमारे, नंबर्स हैं, आपसे बोला कि ना फाइंड द नंबर्स, नंबर्स का पता लगाओ। ठीक है, तो 90% क्वेश्चंस में जो चीज एंड में बोली जाती है उसी को हम लेट करता है, क्या करता है, लेट करता है, कैसे लेट करता है, लेट द नंबर्स बी, पहले वाले को एक्स ले लो, दूसरे वाले को वाई, काम वाली वाई नहीं वाई, ठीक है, पहला नंबर एक्स ले लो, दूसरा वाई ले लो, ठीक है जी, चलिए पहला स्टेटमेंट क्या था, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, दो नंबर्स का सम, दो नंबर्स का सम क्या है 8 है, हमने दो नंबर माने x, दूसरा माना y, इनका सम 8 है, मतलब बराबर हुआ 8, एक इक्वेशन रेडी है स्टार। ठीक है भाई, वर्ड्स को समझ के इक्वेशन बनानी होती है, ये चीज इस तरीके के सवालों में बेसिक है, इसी को इस पे जोर डाल के समझना है। ठीक है, दूसरी, इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, अब ये जो सम है, ये जो सम है ये 4 टाइम्स है डिफरेंस का, क्या है 4 टाइम्स है डिफरेंस, तो सम क्या है 8 है, 8 क्या है 4 टाइम्स है डिफरेंस किसका, इन दोनों का, मतलब x माइनस वाई का, बोलो बात समझ आई, खोपड़े में बैठी कि नहीं है जी, ठीक है, तो ऐसे बैठी दिमाग में, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स बनाइए इस इक्वेशन को, मैं ये लिख सकता हूं 4 2, कहने का मतलब 2 आपका x माइनस वाई ही लिख सकता हूं, ठीक है, बस मुझे कहने का मतलब क्या है, एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी, ये दो इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करना, सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, तरीका क्या है, एक इक्वेशन क्या है जी x माइनस वाई 2 है, दूसरी क्या है x प्लस वाई 8 है, इन दोनों को सॉल्व करना, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, अभी प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि नहीं, बस उसी का फायदा उठाना है, मैंने वहां पे आपको बताया था कि कोफिशिएंट्स को अगर हम एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन एक्स के कोफिशिएंट्स बराबर करने होंगे, वाई को एलिमिनेट कर रहे हैं तो वाई के कोफिशिएंट बराबर कर रहे हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क,
वो स्मार्ट वर्क क्या है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम इक्वेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, क्या होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस। कौन है यार, का कह रहा है भैया, चलिए कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां माइनस वाई है, यहां प्लस वाई है, कैंसिल हो जाएगा। ऐड करने पे साइन बदलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाता है बेटा, ये आ जाता है आपका 2x और ये 8 और 2 10 आ जाता है, x की वैल्यू 5 आ जाती है। बात समझे, क्या समझ आई, x की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, इस प्रोसेस से हमने अभी देखा क्या आया, x का वैल्यू 5 आ गया, 5 है ना। y कितना आ जाएगा भाई, x 5 है, सम 8 है, इस इक्वेशन में प्लेस करें तो y हमें बेटा 3 मिल जाएगा। बात समझे, ठीक है, तो दो नंबर्स कौन से हुए हमारे, 5 और 3। बात समझ आई। अब क्या ये हमारा सॉल्यूशन सही है, ये भी चेक करना आना चाहिए। तो सम जो है, सम कितना था बेटे इन दोनों का, इन दोनों का सम करो 8 है, डिफरेंस कितना है 5 में से 3 गया 2 है, 2 है, और 2 का 4 गुना करूं तो 8 आ रहा है। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इतना सा है कि भैया आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही। ठीक है, समझ आई खोपड़ी में बैठ गई बात, हमारे प्यार भरे भूसे वाले बच्चे समझ गए। ठीक है, चलिए बात समझ आ गई होगी। ठीक है, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस जब मैंने आपको बोले तो इसके अंदर बेटे थोड़े से अच्छी वैरायटी के सवाल भी धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर मैं भी रीड करूंगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे, दबा के पी लेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है सवाल के अंदर, सवाल के अंदर बोला गया है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, क्या है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 30। कोई टू डिजिट का, टू डिजिट नंबर है, ठीक है, दो डिजिट का नंबर है, दो डिजिट के नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो नंबर किस प्रकार का होगा, एक बिट आपका वंस प्लेस होगा, एक आपका टेंस प्लेस होगा कि नहीं। ठीक, टू डिजिट नंबर है, ठीक है, तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस होगा। मैं मान लूंगा अभी थोड़ी देर में, पहले और पढ़ लेते हैं, चलो यहीं से पकड़ते हैं, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 13। तो मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि जो डिजिट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, एक्स है और वाई। बात समझ, वंस प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो एक्स है, टेंस प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो वाई है, मैं ऐसा मान लेता। ठीक है, जब ऐसा हमने माना तो यहीं पर बेटे नंबर फॉर्मेशन भी समझ लेंगे, नंबर फॉर्मेशन। ऐसा अगर हमने किया है तो नंबर क्या बना है, नंबर कैसे बनता है, कैसे उसे समझते हैं, ध्यान से देखिए। टू डिजिट का नंबर है, क्या है, टू डिजिट का नंबर है, तो नंबर ये ऐसा कुछ दिख रहा है। एग्जैक्ट नंबर क्या बना, डिजिट्स हमने ऐसे प्लेस करी है, वंस प्लेस पे ये है, टेंस प्लेस पे ये है, तो नंबर क्या बनेगा, टेंस प्लेस वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10, वंस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे वंस, और दोनों को ऐड करते। बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। क्या बोला मैंने, नंबर फॉर्मेशन में टेंस वाले को टेन से, वंस वाले को वन से हम मल्टीप्लाई, तो नंबर क्या बना, नंबर बन गया जी हमारा टेन वाई, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस की जगह प्लस लगाया, और ये
आपका क्या बन गया, एक्स बन गया, ये बन गया ओरिजिनल नंबर। ठीक है, बात समझ गए। जैसे हमने लेट किया उसके हिसाब से जो नंबर बना वो ओरिजिनल नंबर बना। ठीक है, एक टर्म आती है क्या, इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को इंटरचेंज करके के बाद खेल क्या होता, ये भी समझ लीजिए। इंटरचेंज किया हमने डिजिट्स को तो पहले कुछ ऐसे बना हुआ था बेटे, लेकिन इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज करने का मतलब ये होता है जो पहले वंस प्लेस पे था वो टेंस पे जाएगा, जो पहले टेंस पे था वो वंस पे जाएगा। तो इंटरचेंज करने के बाद नंबर बना ये, ठीक है, डिजिट्स की प्लेसमेंट हुई ये। ठीक है, तो इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या बना, नंबर क्या आया हमारे पास, मैंने आपको बताया टेंस वाले को टेन से, वंस वाले को वन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद नंबर आता है टेन एक्स प्लस में वाई। बात समझ गए, ये बहुत खून पीता है बच्चों का, ये इंटरचेंज करने के बाद ये हो गया, पहले ये था बाद में ये था, फलाना हो गया डिकड़ा हो गया, तो ये चीज समझ आ गई, बैठ गई खोपड़े में। डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद क्या खेल हुआ ये समझ आ गया। बस अगर ये खेल समझ आ गया तो इस तरीके के 90% सवालों को अब आप बिना रुके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, अब समझते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 30। सम ऑफ डिजिट्स जो है x प्लस वाई जो है वो क्या है, 13 है। सम ऑफ डिजिट्स पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, नंबर एक इक्वेशन आ गई, नंबर एक, एक नंबर का, एक नंबर का सवाल है, एक नंबर का है ना, दो चार मास्टर करते हैं ना यूट्यूब पे हंगामा मचाते हैं, एक नंबर, एक नंबर। ठीक है, तो वही नंबर है ये। ठीक, क्लियर है, बस। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द रिजल्ट इज 45। क्या समझे इससे, If the number is subtracted from the one obtained by interchanging the digits, interchange करने के बाद digits जो number मिलता है उसमें से अगर original number को मैं घटा दूं, क्या कर दूं, subtracted, देखा हुआ है ना। If the number is subtracted from the one obtained by interchanging the digits, the result is 45। कहने का मतलब इसमें से इसे घटा दें तो हमारा 45 आ जाना चाहिए। तो क्या है ये, ये है 10x प्लस y है। ठीक है, इसमें से मैं किसको घटा दूं, 10y प्लस x को, प्लस x को, रिजल्ट मेरा 45। बैठी खुपड़िया में बात, फाइन, समझ गया। ये होता है इंटरचेंजिंग द डिजिट्स करने के बाद के, बात समझे, क्या किया मैंने, इंटरचेंज करने के बाद जो खेल हुआ वो ये हुआ। जरा सा इसे सॉल्व कर लें, साइन का ध्यान रखेंगे, 10x plus y minus 10y minus x बराबर 45, क्या 45, बात समझे, क्या 45। ठीक है, बस अब देखिए 10x है x, 9x बन गया, 10y है y, माइनस का 9y बन गया, बराबर कितना आ गया, 45। बोलो एक नहीं, क्या आ गया, 45 आ गया, 45। ठीक है, बात समझ गए। तो अगर 45 आ गया, भाई वायर बहुत सुंदर दिख रहा हूं, चले तो यहां से बेटे हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लिया तो x माइनस y ये बेटा 45, x माइनस वाई 9 5 45। कहने का मतलब x माइनस वाई 5 आती, ये इक्वेशन हमें रिसीव होगी। बात समझ गए, इक्वेशन रिसीव होगी है ना, रिसीव्ड। एक इक्वेशन स्टार्टिंग में थी, हमसे बोला था ना व्हाट इज द नंबर, तो एक इक्वेशन बेटे स्टार्टिंग में थी, इसको उठा के यहां पे सेट करिए, x प्लस वाई ये कर दीजिए बेटा, घुस गया खोपड़े में,
हमारे प्यारे प्यारे भूसे वाले बच्चे, समझ गए? ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, कर देंगे, कानों कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो बस बेटे इस तरीके में आप सीधा ऐड कर दिया करो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। तो बेटे y से y कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस है, 2x आ गया, किसके बराबर? 13 और 5 18, x का वैल्यू 9। बोलो बात समझ आए? x का वैल्यू 9, तो ये डिजिट तो सेट होगी 9। ठीक है, y और निकालना है, x 9 है, यहां पर देखिए ये 9 है, टोटल 13 है, तो y कितना हो गया बेटे? 4 हो गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया बेटे? 4। नंबर क्या बन गया? ओरिजिनल नंबर है, क्या बन गया? ओरिजिनल नंबर बन गया, ध्यान से देखने का है बेटा ये वीडियो, ये हो गया बेटा 49, एक ही नहीं, ये बन गया ओरिजिनल नंबर, y x गया ना 40। अब ये भी चेक करेंगे क्या ये हमारा जवाब सही है कि नहीं है, कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर 49 है, ये ले लीजिए, इंटरचेंज करने के बाद क्या बना? 94, इनका डिफरेंस कितना बना? 14 में से 9 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 45 आ रहा है, और यहां पर 45 ही बोला जाए, तो हमारा आंसर क्या है बिड़ू? एकदम सही है, झका से एकदम मस्त है, समझे कि नहीं? बात समझे? तो इस तरीके से अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, एक दो घंटे तक देख लेना, उसके बाद समझ जाओ। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीज मिस हुई है उसे सेशन खत्म होते ही तुरंत देख लें, एक दो घंटे का टाइम देता हूं, उसके ज्यादा मैं टाइम नहीं देता। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए तो डिजिट्स वाले क्वेश्चंस मेरे हिसाब से अब आपके नहीं रुकेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट खोपड़े में जमा देंगे, है ना? चलो ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? देखो ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है, ये नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, एक नंबर है, इसके अंदर दो डिजिट्स हैं, एक होगी यूनिट, एक होगी टाइम। बात समझ गए? ठीक है, तो यूनिट वाले पे मैं सेट कर दूं एक्स, टेंस वाले पे वाई। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या बन रहा है? ओरिजिनल नंबर क्या बना बेटो? देखो इस तरीके के सवाल में ना, सवाल पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ओरिजिनल और रिवर्स वाला तुरंत बना लिया करो, मैं आपको बता रहा हूं काम की बात, बाद में भी बनाना ही पड़ेगा, समझे? और नहीं जरूरत पड़ी तो बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बनाना आया है तभी तो बनाया है। ओरिजिनल नंबर क्या बना बेटे? ये बना आपका इसे 10 से, तो ये बना 10 वाई प्लस, रिवर्स करने के बाद क्या बना? रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को जब मैंने रिवर्स किया तो क्या बना? दो डिजिट्स ऐसे थी, x बटे इधर आए, y इधर आए, तो नंबर बना 10x प्लस में y, ये रिवर्स करने के बाद ओरिजिनल नंबर ये 10y प्लस है। ठीक है, ये नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स whose सम इज 5। अब पढ़ते हैं, दो डिजिट्स हैं, इन दो डिजिट्स का सम जो है x प्लस y जो है ये बेटा 5। ठीक है, क्या है? 5। When the digits are reversed, the number becomes greater by 9। अब हमने जो रिवर्स करके नंबर बनाया है ये वाला, ये इससे 9 ज्यादा है, कहने का मतलब 10x प्लस y, ठीक है, माइनस कर दूं 10y प्लस x। ठीक है, तो ये When the digits are reversed, जब digits reverse करें, the number becomes greater by 9। ये number इससे 9 ज्यादा हो गया। Find the number, number का पता लगा। पत्र का पत्ता लगाने का ही, ठीक है?
चलिए सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको बेटे। ये हो गया टेन एक्स प्लस में वाई हो गया, माइनस टेन वाई हो गया, माइनस में एक्स हो गया, बराबर नौ हो गया। बेसिक्स वही रहेंगे, टेन एक्स है एक्स है तो क्या बना नाइन एक्स, टेन वाई तो माइनस नाइन वाई बराबर, इन दोनों को सॉल्व किया माइनस नाइन वाई और ये, तो एक्स प्लस वाई कितना हुआ वन, एक्स प्लस वाई कितना हुआ वन हो गया। बात समझ आ गई ठीक है, एक्स प्लस वाई वन है, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई, मैं वही कह रहा था ऐसा कैसे हो गया रे, ये देखो नाइन कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई बेटे आपका वन। इस इक्वेशन को यहां से लेके मैं इस रिजल्ट तक पहुंच रहा हूं ठीक है ना, है ना ठीक है बेटे। तो एक्स माइनस वाई वन हो गया, एक इक्वेशन हमें दे रखी थी एक्स प्लस वाई, ये कितना था पांच था ठीक है। इस पूरी प्रोसेस से मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा इस इक्वेशन ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, जो भी लोग देख रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट रिवीजन क्लासेस चलती रहेंगी बेटे, डेली शाम में आया करो देखा करो ठीक है। बात समझ आई, अभी जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं बेटे डिजिट्स वाले क्वेश्चंस हैं जो सरदर्द हैं आप सभी के लिए, उन्हीं का निचोड़ बता रहा हूं किस तरीके से आप एक सिंगल बारी में इन सबको सॉल्व करें ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x किसके बराबर 6 के बराबर, x की वैल्यू 3, बोलो बात समझ आए, x की वैल्यू क्या 3 ठीक है, x की वैल्यू क्या 3 यहां पर 3 फिक्स हो गया ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी यहां 3 है टोटल 5 है तो y बेटे आपका 2 कहने का मतलब y की 2 कहने का मतलब ओरिजिनल नंबर इज 23 कितना 23 ये है ओरिजिनल नंबर, आपसे बोला था ना फाइंड द नंबर तो 23 आ गया यही स्थान ठीक है जी, क्लियर है बात समझ गए, ये है कार। अब इसे चेक करें क्या आंसर सही है, रिवर्स करें डिजिट्स तो ये बना, रिवर्स कर दी ना ये इधर उल्टा पलटी मार दी तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनका 9 आ रहा है, यही आपसे बोला गया था 9 ठीक है, तो आपका आंसर सही है। एग्जामिनेशन हॉल में वहीं पे चेक कर लिया करो कि आपका आंसर सही आया भी है नहीं आया, दिस इज द स्मार्ट वर्क ठीक है। और हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो समझ ही गए होंगे किस तरीके से करेंगे डिजिट्स के लिए। एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, अब फटाफट कैसे करना है, फटाफट ऐसे करना होता है जैसे ही आपने एक्स वाई लिखा ओरिजिनल नंबर, जैसे यहां पर वाई एक्स था तो सीधा लिखा टेन वाई प्लस एक्स, फिर उसके बाद टेन एक्स प्लस वाई, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बस इसको इधर लाना है इसको इधर ले जाना ठीक है ना। अगर पूरी कथा दिमाग में नहीं बैठ पाती है तो समरी ये है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऐसे, पहले वाले को टेन वाई प्लस एक्स लिया, दूसरे को टेन एक्स प्लस वाई, बढ़िया में बैठ गई होगी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ पहले वाले को आपने टेन एक्स प्लस वाई ले लो ठीक है, ये टेंस वाला हो गया, फिर टेन वाई प्लस एक्स ले लो, ऐसे भी याद रख सकते हो, बस टेन का ही तो खेल है आगे पीछे करना है ठीक है। और पूरी कहानी ऐसे है देखिए समझिए। और एक चीज बता दूं, ये जो सेशन है ये 1-2 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगा रिकॉर्ड होने के बाद, तुरंत देख लेना फटाफट से ठीक है, ज्यादा देर नहीं लगाने का, जो मिस हो गया उसे देख लो क्योंकि इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं देता ठीक है। चलिए ये देखिए मजेदार सा सा है ना, क्या बोला जा रहा है समझिए इसको, करते हैं फिर है कि नहीं, क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज 15, द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, फाइंड द गिवन, है ना मजेदार सवाल, आया कुछ समझ नहीं आया हुआ। अब आएगा देखिए, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-डिजिट नंबर इज 15, बेटे कोई 2-डिजिट नंबर है ऐसे 2-डिजिट नंबर है, मान लेते हैं 2 डिजिट्स हैं, यूनिट्स प्लेस पे एक्स है टेंस पे वाई, नंबर फॉर्म क्या होगा, नंबर फॉर्म क्या बना, आपको मैंने बताया इस वाले को 10 से जमा इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं
टेंस वाले को टेन, तो बना टेन वाई प्लस, ठीक है। रिवर्स करने के बाद, रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर हमने रिवर्स कर दिया, इसके कहने का मतलब क्या है, दो डिजिट्स हैं, जो पहले एक्स इधर था वो टेंस पे, जो वाई इधर था नंबर, इसको टेन से मल्टीप्लाई प्लस में वन, कहने का मतलब टेन एक्स प्लस वाई बना, ये रिवर्सिंग द ऑर्डर बना, खोपड़े में बैठ गई बात, ठीक है, बात समझे। एक बार फिर से आपके लिए काम की बात, सेशन को एक घंटे बाद तक आप देख सकते हैं, एक डेढ़ दो घंटे, इससे ऊपर नहीं, तो जो रह गया है उसे तुरंत देख लेना, मेरा सजेशन है आपके लिए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, टू डिजिट्स नंबर बेटे ये है, टेन वाई प्लस एक्स हो गया, ओरिजिनल ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल वाला ये क्या है, रिवर्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर, खोपड़े में बैठ गई बात, ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15, सम ऑफ डिजिट्स कहने का मतलब x प्लस वाई कितना है, ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स, बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये वाला जो नंबर है ये क्या है, 10x प्लस वाई जो है ये वाला ये बढ़ जाता है इससे, मतलब 10y प्लस x को मैं माइनस करता हूं बाई 9, 9 से, तो इनका डिफरेंस 9 आना चाहिए। बोलो बैठी खोपड़े में बात, मैंने क्या बोला, रिवर्स करने के बाद कहानी ये है, ओरिजिनल ये है, ये नंबर इससे 9 ज्यादा है, कहने का मतलब इसमें से 10x प्लस वाई में से अगर 10y प्लस x को माइनस कर दूं तो मुझे 9 मिल जाना चाहिए ऐसे, ठीक है, क्लियर है ना। चले तो ओरिजिनल नंबर कैसे पता लगाएंगे, आ जाते हैं इस पे, इसे सॉल्व करो बड़े प्यार से, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, ये बेटा 9 है, 10x है x है, तो हमारे पास क्या आया, ये 10x है ये x है, तो हमारे पास क्या आया बेटे 9x, ये 10y है ये y है ना, तो हमारे पास क्या आया यहां पर माइनस 9y, और ये किसके बराबर हुआ, 9 के बराबर, बोलो है ना, ठीक है ना, ठीक है। x माइनस वाई क्या आ गया बेटे यहां पे, x माइनस वाई हमारे पास आ गया, ठीक है, क्लियर हो गई बात, बन गया। एक इक्वेशन ये है, इसे उठा के नीचे चेपो यहां पे, x प्लस वाई, ठीक है, ये कितना है, इस इक्वेशन के लिए सारी कहानी की जाती है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल डुप्लीकेट ओरिजिनल और रिवर्सिंग द ऑर्डर करने के बाद ये इक्वेशन जो आई, एक इक्वेशन हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इन क्वेश्चंस में मिल जाती है पहली दूसरी लाइन में, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ऐड कर दूं ना, ये कैंसिल हो गया, तो 2x 15 9 24 हो गया, सॉरी 9 ये हो गया, इसे सॉल्व किया हमने, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15, एक्स प्लस वाई 15 है, यार फंडामेंटली तो हिला हुआ लग रहा है ये सवाल, चलो एक बार करके देखते हैं। तो ये हमने जब किया, ये बेटा 10x था, ये x है, तो यहां पर हमारा 10x और x, ये 9x हो गया, और यहां पर बेटे माइनस 9y, और ये 9 है, x माइनस y 9 है, x प्लस y 15 दे रखा है, चलो देखते हैं, अगर ऐसा ही है, अगर ये क्वेश्चन सही है फिर तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखिए जब हमने इसे ऐड किया 15 और 9 17 18 19 20 21 22 23 24 आ रहा है, 2x x की वैल्यू बेटे यहां से 12 आ रही है, तो ये डिजिट तो नहीं आई ना,
एक्स की वैल्यू 12 डिजिट नहीं आई है ना, तो ये 5 होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, समझे, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, क्योंकि जब हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बेटे जो मिल रहा है वो हमारा 12 आ रहा है, और 12 कोई डिजिट नहीं है ये, है ना, एक्स की वैल्यू 12 ये डिजिट नहीं है, समझे, एक्स की वैल्यू अगर 12 डालता हूं तो वाई बेटे आपका 3 आ रहा है, तो ये डिजिट नहीं आई। इसे अगर हम 5 लेते हैं, यहां पे थोड़ा कहीं मिस्टेक है, अगर हम इसे 5 लेते हैं, है ना, ठीक है, तो x प्लस वाई को अगर हम कहीं 5 लें, ठीक है, तब जाके ये सवाल डिजिट्स में कन्वर्ट होगा। एक बार फिर से देख लें कहीं मिस्टेक तो नहीं, 2 डिजिट नंबर लिया x प्लस वाई, 15 ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर बना 10y प्लस x, उसके बाद रिवर्सिंग द ऑर्डर 10x प्लस y, गिवन नंबर x इज द गिवन नंबर बाई 9, बाई 9 बढ़ जाता है, ठीक है, बाई 9 द नंबर ऑप्टेंड बाई रिवर्सिंग, रिवर्स करने के बाद 9 बढ़ जाता है, मतलब इसमें से 10x प्लस y में से अगर 10y प्लस x माइनस करें, बिल्कुल सही है, 10x प्लस y माइनस 10x माइनस x 9, 10x x गया तो 9x आया, इसे सॉल्व किया माइनस 9y, ये 9 आया, x माइनस y 9 आता है, x प्लस y 16 है, दोनों को ऐड करता हूं तो बेटे 1905, ये डिजिट नहीं आ रही, कहीं मिस्टेक है इस क्वेश्चन, अदरवाइज डिजिट ही आपको मिलेगी, बात समझे, कहीं ना कहीं मिस्टेक है जिसकी वजह से ये ऐसे आ रहा है x की वैल्यू, समझे, बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसे चेक करेंगे नेक्स्ट लाइव में, देखेंगे इसके अंदर क्या डिजिट थी, इसे चेक करके बताएं कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल ये लीजिए ये लीजिए, क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 66। कोई दो डिजिट का नंबर है बेटा, तो मान लेते हैं, लेट द नंबर कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से दो डिजिट से, ठीक है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ये हमने x दिया, ये y दिया, नंबर क्या बना, नंबर बना 10y प्लस x, रिवर्स करने के बाद क्या बना बेटे, रिवर्सिंग द ऑर्डर करने के बाद क्या बना, ऑर्डर जब मैंने इसका रिवर्स किया तो मुझे क्या मिला, ये नंबर मिल गया, x इधर आया और y इधर आया, नंबर क्या बना 10x प्लस y बना, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 66। कहने का मतलब इन दोनों का जो सम है, ठीक है, कहने का मतलब ओरिजिनल नंबर प्लस में ये वाला 10x प्लस y, इनका सम 66 है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, बात समझे, ठीक है, क्लियर है। इफ द टू डिजिट्स डिफर बाय 2, अगर ये दो डिजिट डिफरेंस इनके बीच में कितना है, 2 का है, कहने का मतलब y माइनस x आपको 2 दे रखा, फाइंड द नंबर, नंबर को फाइंड आउट करना है, ठीक है, अच्छी बात है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर हैं उसे भी पता लगा, बिल्कुल ध्यान से पता लगाएंगे, देखिए एक इक्वेशन ये बन गई बेटे, ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया 10y प्लस में y, एक ये आ गया प्लस में 10x है प्लस में x है, ये 66 आ गया, ये हो गया बेटे 11y, ये हो गया बेटे 11x, तो ये 66, तो y प्लस x कितना आ गया बेटे 6 आ गया, बात समझे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन y माइनस x है, y माइनस x दे रखी है, कितनी है 2 है, बात समझे, ठीक है। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिली ये वाली, दूसरी इक्वेशन हमें मिली बेटे पहली कंडीशन से ही, यहां पर जो दे रखे हैं द टू डिजिट्स डिफर बाय 2, तो ये इन दोनों को सॉल्व करना है, ऐड कर दीजिए, ऐड करते ही क्या होगा, ये कैंसिल होगी, ये बेटे 2y आ गया और 6 और 2 8 आ गया, बात समझे, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटे 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो y हमारा कितना है बेटे 4, ठीक है, y समझ आ गया, y अगर 4 है
तो x निकाल लेंगे, इस वाली इक्वेशन में प्लेस कर देना, तो 4 माइनस एक्स बेटा 2 है, तो 4 माइनस 2 बेटा आपका x है, x की वैल्यू कितने हो गई, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। आसम तो नंबर क्या है, नंबर क्या है, नंबर आपके सामने है, ये क्लियर हो गया, नंबर आपको 42। अब देखिए एक नंबर 42 है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 66, ठीक है, इसका रिवर्स करें तो 24 आता है बेटा, इन दोनों को ऐड करें, 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, बिल्कुल 66 आता है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे दो नंबर हैं बेटे, वो दो नंबर कौन से हैं, एक नंबर ये रहा, एक नंबर, ठीक है, अगर इसे लेते हैं पहला नंबर तो रिवर्स करने के बाद ये आएगा, और इसे हम ले लें पहला नंबर तो रिवर्स करने के बाद ये आएगा, ऐसे कितने नंबर हैं बेटा, 2 ही नंबर है, ठीक है, बात समझो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है जब हम इन्हें ऐड करते हैं, ये जो सम और डिफरेंस होता है ना, ये सिंगल डिजिट में दिया जाता है बेटा, ठीक है, सिंगल डिजिट में होता है सम और डिफरेंस, जब डबल डिजिट में होता है तो वहां मिस्टेक होने के चांसेस है, तभी मैं कह रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं लोचा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और सवाल, क्या कह रहा है सवाल, फटाफट निपटाते हैं, ये देखिए बेहतरीन सा सवाल है, क्या बोला जा रहा है, ये देखिए क्या है इस सवाल में, सवाल के अंदर है क्या, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000, भाई दो नंबर हैं, टू नंबर्स हैं, इनका सम 1000, ये दे रखा, तो बिल्कुल सही है, पहला नंबर x ले लेता हूं, दूसरा y, सम बेटा 1000, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज दिस, इनके स्क्वायर के बीच में, मतलब x के स्क्वायर के और y के स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस है वो 256000, ठीक, फाइंड द नंबर, आपसे बोला नंबर्स का पता लगा, क्या फाइंड द नंबर्स, नंबर्स आपसे फाइंड आउट करवाएंगे, ठीक, ये है कहानी, कैसे होगी, बहुत आसान है, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का बीच का डिफरेंस, ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए, ये क्या है बेटे, इसे मैं x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकता हूं, ये 256000 हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो ए प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान से समझ लो, बेसिक से बता रहा हूं, ठीक, इतना समझ आ गया। अब देखिए x प्लस वाई 1000 है, यहां पर मैं 1000 लिख दू, एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये कितना है 256000, बात समझ आए, ये 1000 नीचे ले जाऊं, एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा बेटे, 256 आ जाएगा, 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस वाई 256 आ गया, बात समझ क्या आ गया, x माइनस वाई 256 लिख लेते हैं, x माइनस वाई 256, ठीक है, बात समझ गए, और x प्लस वाई कितना है 1000 है, लिख लो इसको, x प्लस वाई 1000, बात समझ, ऐड कर दें, कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू बोलो, 2x कितना हो गया, 125, यही हो गया, ऐड कर दी, x की वैल्यू बोलो, 2 6 12, 2 2 4 2 8, x की वैल्यू 628, बात समझ गए, y कितना है इस इक्वेशन में डाल दो, x प्लस वाई 1000 है, x कितना है 628 है, प्लस में y, ये 1000 है, तो बेटा y निकाल लोगे, 1000 माइनस 628 कर देना, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, दूसरा नंबर, बात समझ आई, इस तरीके से करने हैं सवाल, फिर से मिलेंगे आपसे लाइव सेशन में, ठीक है, ये सेशन रिकॉर्ड हो गया, इसको देख लेना, 2 घंटे तक मिलेगा आपको ये, उसके बाद समझ जाएगी, ठीक है, फ्रेश फ्रेश पढ़ लिया करो, फ्रेश फ्रेश कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया करो, जिससे कि नया कॉन्सेप्ट